नाउ वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन. इट सेज ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यू तो जीरो हो गया हमारा. वी इन दिस केस इज 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है उन्होंने मेंशन किया, 5 मिनट्स. मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, इट वुड बी 5 × 60 विच इज 300 सेकंड्स. अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600. 2 जीरोस गेट्स कैंसल, हमारे पास ऊपर बचता है 5 और नीचे बचता है 18. 18 और 72 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4. 4 × 5 इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब हमने क्या निकालना है फर्स्ट केस में, एक्सेलरेशन विच इज वी माइनस यू ओवर टी. वी हमने कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 20. यू इज 0, टी इन दिस केस इज 300. तो 20 ओवर हमारे पास क्या आ गया, 300. 10 विल गेट कैंसल विद 0. 2 और 30 हमारा कैंसिल होके 1/15 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली इन द सेकेंड केस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे, यू कैन फाइंड इट विद एस का फॉर्मूला विच वी नो इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा. हाफ एज इट इज, ए की जगह 1/15, टी का स्क्वायर 300 का स्क्वायर इज द हाफ इज द, नीचे हमारे पास 15 है एंड 300 स्क्वायर इज, इट वुड बी 9 एंड हाउ मेनी जीरोस, 4 जीरोस. 2 से हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 90,000 विल बिकम 45,000, और 45,000 को कैसे रिड्यूस करोगे 15 से, 3 पे आते हैं, सो इट विल बिकम 3,000 मीटर. और किलोमीटर में लिखना चाहते हो आंसर को, तो 3 किलोमीटर लिख सकते हो. सो दैट वुड बी द आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट.